सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरोडॉल एस्पास टैबलेट यूजेस की बात करेंगे, एमआरपी की बात करेंगे, किन किन कंडीशन में इस टैबलेट को यूज किए जाने वाला मेडिसिन है उसके लिए अंत तक वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जीरोडॉल एस्पास टैबलेट इप्का कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है जो कि आपको मार्केट में इजीली देखने को मिल सकता है। और इसका एमआरपी की बात करेंगे तो ये 159 रुपये में 10 टैबलेट के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। अब इसका यूजेस की बात करेंगे कि किन किन कंडीशन में इस टैबलेट को यूज किया जाता है। तो ये टैबलेट बेसिकली डॉक्टर द्वारा दिए जाने वाला है, जैसे कि पेट में दर्द होना, मांसपेशियों का दर्द होना, ये सब कंडीशन में इस टैबलेट को ईजिली दिया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी का दर्द है उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है, उन कंडीशन में इस टैबलेट को ईजिली दिया जा सकता है। ये टैबलेट का कंपोजिशन की बात हम करेंगे तो ये इसमें है एसिक्लोफेनिक, ड्रोटाभेरिन, हाइड्रोक्लोराइड। एसिक्लोफेनिक 100 mg टैबलेट है, ड्रोटाभेरिन और हाइड्रोक्लोराइड 80 mg के रूप में अवेलेबल होता है। जैसे कि आपके एसिक्लोफेनिक का काम है जैसे दर्द को ठीक करना, ड्रोटाभेरिन का काम है हाइड्रोक्लोराइड का पेट का दर्द को ठीक करना। ऐसे आमतौर पर इस टैबलेट को जैसे कि पूरे शरीर में अगर दर्द हो रहा है तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और जैसे कि इस टैबलेट को, इसका हम डोजेस की बात करेंगे कि किन किन एज को इस टैबलेट को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जैसे कि 15 से 16 साल से ऊपर है तो एक टैबलेट सुबह शाम ईजिली दिया जा सकता है। और जैसे इसको अगर बच्चे के दे रहे हैं जैसे 8 साल 9 साल को तो आधा टैबलेट कोशिश करें सुबह शाम ही दे, अन्यथा सिरप वगैरह इस ग्रुप में आता है उस सिरप को ईजिली दिया जा सकता है। इमरजेंसी के लिए आधा टैबलेट, बच्चे 8-9 साल का है तो आधा टैबलेट सुबह शाम ईजिली दिया जा सकता है। अब हम इसका साइड इफ़ेक्ट की हम कुछ बात करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट आपको जैसे उल्टी आना, मिचली होना, खुजलीपन होना, चक्कर देना, इन कंडीशन में कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे जाइए टेलीग्राम चैनल को, लिंक को ज्वाइन ज़रूर करें, मेडिकल फैक्ट को जाइए वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन ज़रूर करें।